सो इन दिस वीडियो विल टॉक अबाउट द कंसेप्ट ऑफ पीटर बर्गर वॉट डज पीटर बर्गर टॉक अबाउट द रिलीजन अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर पहले पीटर बर्गर का थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड एक्सप्लेन करना है कि किस किस बेसिकली टॉपिक्स पर इन्होंने काम किया है तो ही टॉक्स ऑन द डिफरेंट टॉपिक लाइक वर्ल्ड कंस्ट्रक्शन कंसेप्ट ऑफ रिलीजन सेक्ुलराइजेशन एंड रिलीजन का क्या फ्यूचर रहेगा फ्यूचर ऑफ रिलीजन अब इनकी एक बुक थी एक uh, बुक विच ही रोट विद दॉमस ल्यूकमैन द बुक इज सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियालिटी द बुक नेम सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियालिटी विच बर्गर राइट डाउन विथ थॉमस लिट मैन और इस बुक में बहुत सारे एस्पेक्ट में बात की गई थी वी हैव टू मैंशन सम अगर याद रह जाएंगे तो यू हैव टू मैंशन दैट सोशलॉजी ऑफ नॉलेज रिलीजन ऑफ कन्वेक्शन कमिटमेंट एंड सोशल रियलिटी अब इसके थ्रू उन्होंने काफी सारी चीजें लाइक मॉडर्न कंडीशन फैमिली फैमिली इशूज इकोनॉमी डेवलपमेंट इन सब अस्पेक्ट को समझने की कोशिश की है इन्होंने स्प्रेड ऑफ इस्लाम और आपकी क्रिसमेटिक uh, क्रिश्चानिटी की भी बात की है विच वी विल डिस्कस लेटर अब वर्ड कंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे वर्ड कंस्ट्रक्शन में इन्होंने क्या बोला है कि जो वर्ड बिल्डिंग की बात करिए कि किस तरीके से ये जो प्रॉपर वर्ड है ये बिल्डअप हो रहा है ह्यूमन बींग जो है किस तरीके से वो अपने सराउंडिंग एन्वायरमेंट के साथ रिएक्ट कर रहे हैं जिस सोसाइटी में वो रहते हैं वहाँ वो रिएक्ट कर रहे हैं रिस्पॉन्ड कर रहे हैं ये पूरा कंसेप्ट यहाँ पे डिस्कस किया गया है तो इनके अकॉर्डिंग सोसाइटी जो है इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ मैन एंड मैन इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ सोसाइटी बिकॉज मैन से मिलकर सोसाइटी बनती है एंड हम लोग सोसाइटी के जो डिफरेंट फोर्सेज हैं उस पर क्या करते हैं रिएक्ट करते हैं क्लियर तो जो आपका फैमिली किनशिप ये सब कंसेप्ट है दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द सोसाइटी अब ह्यूमन बींग आर मतलब ह्यूमन बींग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मॉडिफिकेशन और द चेंज इन द सोसाइटी एज द टाइम पासिस जैसे जैसे ज़रूरत फील होती है जैसे जैसे uh, हमें लग रहा है कि सोसाइटी में चेंजेस की ज़रूरत है तो यहाँ पे मॉडिफिकेशन जो है वो हमें देखने को मिलता है अब इनके यहाँ पे जो uh, इन्होंने जो एक्सप्लेन करा है कंसेप्ट यहाँ पे दो एस्पेक्ट डिटेल में मैंशन करे हैं वन इज़ एक्सटर्नलाइजेशन एंड द अनदर इज इंटरनलाइजेशन एक्सटर्नलाइजेशन का मतलब है कि हाउ मैन रिस्पॉन्ड टुवर्ड्स अ डिफरेंट एक्सटर्नल एनवायरमेंट एक्सटर्नल एनवायरमेंट में यहाँ पे कल्चर का नाम आएगा एनवायरमेंट इज नॉट एसोसिएटेड विद द एनवायरमेंट यहाँ पे आपके कल्चर से रिलेटेड कल्चरल एनवायरमेंट की बात है कि जो आपके कल्चर है उस कल्चर और सोसाइटी के टुवर्स कैसे ह्यूमन बींग जो है वो रिस्पॉन्ड कर रहा है देन देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ इंटरनालाइजेशन इंटरनालाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें आपका ह्यूमन एक्टिविटीज़ इंक्लूड होती हैं बहुत फिजिकल एंड मेंटल फिजिकल एंड मेंटल कंस्ट्रक्ट को लेके जितनी भी सारी आपकी एक्टिविटीज हैं ह्यूमन एक्टिविटीज दैट कम अंडर द प्रोसेस ऑफ इंटरनालाइजेशन अब ये सारे प्रोसेस मिलके एक वर्ल्ड को क्रिएट करते हैं कैसे ह्यूमन बीइंग मिलके एक सोसाइटी बना रहे हैं कैसे वो एक दूसरे के साथ एक दूसरे के आ, को लेके रिस्पॉन्ड कर रहे हैं उस कल्चर में लीव रह रहे हैं तो ये पूरा कंसेप्ट जो है ये पूरा वर्ल्ड बिल्डिंग का काम करता है अब रिलीजन किस तरीके से इस वर्ल्ड कंस्ट्रक्शन से लिंक है तो अगर हम पीटर बर्गर की बात करें तो इनके अकॉर्डिंग एक सोसाइटी को हम लोग देख सकते हैं वर्ल्ड बिल्डिंग कंसेप्ट में लेके अब वर्ल्ड बिल्डिंग बहुत सारे रिलीजियस फैक्ट ऐसे हैं दैट कॉन्ट्रीब्यूट टू द मेकिंग ऑफ द सोसाइटी बहुत सारे आपके लाइक uh, like, जो नॉर्म्स होते हैं आपके नोमोज एंड कॉसमोज हैं ये मिलके जो है ये सोसाइटी में सोसाइटी क्रिएशन में कंट्रीब्यूट करते हैं बट एज वी सी विद द पैसेज ऑफ द टाइम मॉडर्निटी आने के साथ साथ साइंटिफिक टेम्परमेंट इंक्रीज होने के साथ साथ ये चीज़ें क्या हो रही हैं ये चीज चीज़ें धीरे धीरे कम हो रही हैं एंड जो फोकस है वो बिल्कुल टोटल जो इन पे डिपेंडेंसी है वो प्रॉपर हमारी कम होती जा रही है अब बर्गर ने क्या बोला है कि रिलीजन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सोशली स्ट्रक्चर्ड ऑर्डर एंड फंडामेंटल मीनिंग इनहेरिट इन द यूनिवर्स आपके जो नोमोज होते हैं ना वो सोशली कंस्ट्रक्टेड ऑर्डर है कि जो सोसाइटी ने कुछ ऑर्डर बनाए हैं सीक्वेंस बनाए कि किस तरीके से यू पीपल विल लिव इन द सोसाइटी एक हिरार की सेट करी है तो दिस इज़ नोमोज सोशली स्ट्रक्चर जो ऑर्डर है दैट इज़ नोमोज एंड फंडामेंटल मीनिंग्स जो हैं जो यूनिवर्स में चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं उनके फंडामेंटल मीनिंग इज कॉस्मोज So, ये सारी चीजें किसने एक्सप्लेन करी है, ये बर्गर ने एक्सप्लेन करी है देन देर इज अ कंसेप्ट ऑफ सेकुलर सेकुलराइजेशन का मतलब हम सबको पता है सेक्युलराइजेशन मतलब होता है आ, कि आप रिलीजियस वैल्यू के बेसिस पे सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो एक कोई स्पेसिफिक रिलेशन जो है वो रिलीजन uh, जो है वो फॉलो करके नहीं चला जा रहा है तो बेसिक सेकुलराइजेशन का मतलब हम सबको पता है बहुत सारे अलग अलग सोशलॉजिस्ट ने इन इन पर बात भी की है जैसे मार्क्स हो गए इससे, uh, आपके फ्रीयूड हो गए मैक्स वेबर हो गए एमली डरके हो गए तो इन्होंने मॉडर्नाइजेशन की बात की एंड विद द मॉडर्नाइजेशन प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन सेक्युलराइजेशन का कंसेप्ट भी हमें इवॉल्व होता दिखाई देता है ठीक है अब यहाँ पे इन्होंने जो बर्गर ने बात की है रिलीजन के कंसेप्ट को लेके करी है रिलीजन भी क्या है रिलीजन भी एक ह्यूमन एंटरप्राइज से मिलके बना हुआ कंसेप्ट है प्लस ये जो डरकिंग का कंसेप्ट है डरकिंग का जो कंसेप्ट है सेक्रेड वर्सेस प्रोफेन का ये उससे क्या रखते हैं ये उससे एग्री करते हैं और ही फॉलो दैट आइडियोलॉजी ऑफ डरकिम तो रिलीजन में ये एक्सप्लेन करना है तो फर्स्ट वी थिंक मेंशन हम यहाँ पे एक पूरा इनका इंट्रोडक्शन बताएंगे वर्ड कंस्ट्रक्शन बताएंगे रिलीजन और वर्ड कंस्ट्रक्शन को लेके ये क्या बोलते हैं वो बताएंगे फिर इसी में एक और कंसेप्ट जो इनका है दैट इज फ्यूचर ऑफ रिलीजन तो फ्यूचर ऑफ रिलीजन को लेकर ये कहते हैं कि विद द पैसेज ऑफ द मॉडर्निटी सेक्युलराइजेशन इन सब 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 कंसेप्ट कंसेप्ट के इवॉल्व होने के साथ साथ जो रिलीजन uh, का इम्पेक्ट है जो रिलीजन का इम्पेक्ट है वो हमें थोड़ा थोड़ा क्या होने होने लगा है कम होता दिखाई दे रहा है वो इफेक्ट जो है वो रिड्यूज हो गया है ठीक है अब इन्होंने वर्क भी करा ये प्रूफ करने के लिए कि रिलीजन जो है वो एक स्ट्रॉन्ग और पोटेंट फोर्स है जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लोगों की इमेजिनेशन और लाइफ पे पर इम्पैक्ट करता है तो इनका वर्क क्लियरली शो करता है कि कैसे रिलीजन लोगों की लाइफ पे और लोगों की थॉट प्रोसेस पे इमेजिनेशन पे इंपैक्ट डालता है इरिस्पेक्टिव कितनी भी मॉडर्निटी आ गई है कितना भी कुछ आ चुका है लेकिन स्टिल पीपल जो है दे आर स्ट्रांगली अटैच टू देयर रिलीजन और वो ही उनकी थिंकिंग को गवर्न कर रहा है ये चीज बताई है अब इन्होंने क्या बोला है कि सेक्युलराइजेशन पे बिलीव करने के कुछ रीजन जो है तो वो क्या क्या थे देखिए ये चीज़ें वेस्टर्न से आके फिर धीरे धीरे ओवर द अदर नेशन स्प्रेड हुई है तो वहां पे क्या था वहां पे जो चर्चेस का जो कंसेप्ट था जो लिबरल चर्चेस थे वो डिक्लाइन हो रहे थे उनका नंबर हमें डिक्लाइनिंग होता दि, दिखाई दे किस तरीके से यूएस और यूरोप की सोसाइटी में चर्च जो थे वो स्टार्टिंग में भी और अब तक भी बाद तक भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे ये चीजें उन्होंने बताई है खुद की थ्योरी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं पहले बोल रहे हैं मॉडर्निटी से रिड्यूस हो रही है चीज़ें लेकिन फिर धीरे धीरे उन्होंने बताया कि स्टिल पीपल आर स्ट्रिक्टली अदायर टू देयर रिलीजन और किस तरीके से अभी भी रिलीजन का एक रिलेवेंस और इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस हमें देखने को मिलता है तो अगर पीटर बर्गर के बारे में आपसे पूछेगा तो दैट्स वर्ल्ड कंस्ट्रक्शन का कॉन्सेप्ट इनकी बुक का नाम बताओगे सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी जो इन्होंने ल्यूकमैन के साथ मिलकर लिखी देन इन्होंने क्या क्या काम करे हैं और रिलीजन को लेके सेकुलराइजेशन को लेके एंड फ्यूचर ऑफ रिलीजन ये मेंशन कर दोगे तो एग्जामिनर समझ जाएगा दैट यू वाइज नो द कन्सेप्ट जो इन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो